भाई को जय भीम कहना चाहूंगी, मैं सोनी सोनी को जय भीम कहना चाहूंगी, मैं फूले देवी को जय भीम कहना चाहूंगी, मैं उन सभी औरतों को जय भीम कहना चाहूंगी जो दलित आदिवासी माइनॉरिटी समुदाय से है, जो उन समुदाय से है जिनको ये सोचा जाता है, जिनको सवर्णवादी लोग ये सोचते हैं कि ये रेप करने के लिए ही बनाई गई है। मैं उन सभी लोगों को, मैं सभी उन सभी औरतों को क्रांतिकारी जय भीम कहना चाहूंगी। मैं जय भीम कहना चाहूंगी साथी रोहित को, साथी रोहित के साथियों को, साथी रोहित की माँ को जिन्होंने इतने बड़े आंदोलन को चलाया। मैं जय भीम कहना चाहूंगी ऊना के उन सभी साथियों को जिन्होंने देश में दलितों के लिए, बापसा उनमें से एक संगठन है, जो व्यवस्था है ब्राह्मणवादी व्यवस्था, उसमें स्त्रियों की अगर हम बात करें तो स्त्रियों का क्या स्थान, उनको देवी बनाया जाएगा, घर में बिठाया जाएगा, मूर्ति की तरफ बिठाया जाएगा, उनको ये कहा जाएगा कि पति है, आप पत्नी है, आप उसकी सेवा करिए, उनको कहीं भी ये नहीं कहा जाएगा कि तुम काली हो, तुम लड़ो, तुम अपने अधिकार के लिए लड़ो, नहीं, उनको ये नहीं समझाया जाएगा, उनको ये कहा जाएगा कि तुम ममता हो, तुम सुशीला हो, तुम करुणा हो। हम उस व्यवस्था के खिलाफ है जो औरतों को घर में बंद करती है, जिसको घर में बैठ के रोटियां बनाना चाहिए था, जहाँ पे लोग ये कहते हैं कि तुम लड़की हो तुम्हें 5 नंबर तो मुफ्त के मिल जाएंगे, हम उस व्यवस्था के खिलाफ है, इसीलिए बाप से यहाँ पे खड़ा। आप लोग तुलसीदास को जानते ही होंगे। तुलसीदास वो कहते हैं ढोल गवार सूत्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। हम उस व्यवस्था के खिलाफ है जो साहित्य से लेकर समाज में तुलसीदास को स्थान देता है। हम उस व्यवस्था के खिलाफ है जो ये सोचता है दलित ना बोल सकते हैं ना उनको बोलना चाहिए। अरे जब आप दलितों की जबान ही काट लेंगे, जब उनको अक्षर ज्ञान देंगे ही नहीं तो कैसे बोलेगा। हम उस व्यवस्था के खिलाफ है जो दलितों को शिक्षा से दूर रखता है। साथियों ब्राह्मणवादी जो एक सो कॉल्ड राइट विंग है, उसका क्या मानना है कि जो औरतें हैं, मतलब जो हमारी जेएनयू कैंपस की औरतें हैं वो वेश्या हैं। आप लोगों ने ये सुना ही था और वो यहाँ पे आकर कॉटन गिनती करते हैं। तो ऐसी व्यवस्था आज वो कहते हैं, आज जब उनका जीपीएम हो रहा था कि हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, आपने कौन सी नारी सशक्तिकरण की बात करी, आप जरा हमें एक बार तो बता दीजिए। आप औरतों को घर में बंद करते हैं, कौन सी नारी वहाँ सशक्त होती है। आप स्त्री शिक्षा की बात करते ही नहीं हैं। आपके आपके आदर्शों में सीता है, कहीं भी कालका नहीं है, कहीं भी चंडी नहीं है। आप कौन से आदर्शों की बात करते हैं, आप कौन सी नारी शिक्षा की बात करते हैं, आप कौन सी सशक्तिकरण की बात करते हैं। यहाँ का लेफ्ट विंग जो कहता है बेखौफ आज़ादी, हम स्त्रियों के लिए बेखौफ आज़ादी की बात करते हैं, वो कौन सी बेखौफ आज़ादी है जो लेफ्ट विंग की एक सो कॉल्ड पार्टी का एक मेंबर रेप कर देता है और वो सिर्फ उसको निलंबित कर देते हैं और मजे से उसी दिन प्रोग्राम करते हैं और बेशर्मी से घूमते हैं। वो कौन सी लेफ्ट पार्टी है जो ऐसी बेशर्मी, ऐसी महिलाओं के प्रति इतनी असंवेदनशील है और नारा लगाती है हम बेखौफ आज़ादी की बात करते हैं। इसीलिए मुझे लगता है बापसा इन सभी मुद्दों पर आगे आता है। जितने भी हमारी हमारे ऐसे कोने हैं भारत के समाज के, ऐसे जो भी कोने हैं, आदिवासी दलित अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय जो भी कोने हैं, उनको बापसा लेकर आता है, उनकी बात आगे रखता है। और आपको एक बात बताऊंगी, मैं पिछले 4 साल से इस कैंपस में, लेकिन 4 साल से लेफ्ट विंग वालों की एक ही स्पीच है, साथियों अब हॉस्टल बनवाएंगे, हम MCM बढ़वाएंगे, हम आपकी ट्रांसपोर्ट की सुविधा बढ़वाएंगे। साथियों ये काम वो कभी नहीं करेंगे क्योंकि वो उनके चुनावी जुमले हैं, इसी की वजह से वो हम लोगों से वोट लेते हैं। अगर वो काम ये कर दें तो उनको वोट नहीं मिले, अगले साल वो क्या कह के खड़े होंगे, भाई इतने सारे उनके लूप फॉल्स हैं तो उनको खड़े होने के लिए कुछ तो चाहिए। तो ये काम कभी नहीं करेंगे।
जैसा संगठन, मैं उसकी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पर खड़ी हुई हूँ वहाँ से, तो बापसा जैसा संगठन इन सभी मुद्दों पे बात करता है, वो महिलाओं के लिए आगे से आगे आने की कोशिश करता है, चाहे जीशा का केस हो, चाहे डेल्टा का केस हो, चाहे रोहित वेमुला का केस हो, हमने अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। हाँ, ये लोग भी रोहित के मुद्दे पर आगे थे, ये लोग भी डेल्टा के मुद्दे पर आगे थे, लेकिन वहीं तक थे जहाँ तक इनकी चुनावी रोटियाँ सिक रही, उसके बाद ये लोग अपने आप को स्वतंत्र करते हैं, जेल से निकालते हैं, कहते हैं संविधान में हमें बहुत विश्वास है, वो इसीलिए है क्योंकि इनको जेल से निकलना। अगर वास्तव में आपको संविधान पर विश्वास है, अगर वास्तव में आपको लगता है कि ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था बदलनी चाहिए, मैं सो कॉल्ड लेफ्ट पार्टी से कहती हूँ, तो आइए आप हमारे साथ रामचरितमानस को चलाइए, आइए आप हमारे साथ मनुस्मृति को चलाइए। आप बहुत बात करते हैं जय भीम की, लेकिन जब आप जीत जाते हैं तो जय भीम कहीं नहीं होता। साथियों, इन्हीं मुद्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। मैं आरती रानी प्रजापति, एसएल से हिंदी में पीएचडी कर रही हूँ सेकेंड ईयर में, मैं बापसा में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पर खड़ी हुई हूँ, और आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय।